क्या से क्या बन गया है, एक कतरा था जो क्या हुआ? मुझे लगता था तू तो सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। बेशर्म इंसान, शर्म नहीं आई तुझे? मेरी बहन का घर उजाड़ दिया तूने। चाचू आप आराम से मेरी बात सुने, मैं आपको सब बताता हूं। अच्छा चल, मैं आराम से तेरी बात सुनता हूं। सुना। मैंने पहल नहीं की थी। रानी ने मुझसे कहा कि घर में हमारी शादी की बात चल रही है, बस मेरी गलती ये है कि मैंने अपनी औकात भूलकर उसकी बात पर यकीन कर लिया। आपसे मंगाए गए दवाई के पैसों से मैंने उसको मोबाइल लेकर दिया था। मेरी गलती बस ये है कि मैं उसे खुश देखने के चक्कर में बहुत आगे तक जा चुका था। था? क्या मतलब था? चाचू मैंने अपने दिलो दिमाग से रानी की मोहब्बत को निकाल दिया है। वाह, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तू जानता है इफी, तेरी वजह से दोनों खानदानों के दरमियान दरार आ चुकी है, और वो मुशाहिद भाई तेरी और सुहाना की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। चाची मेरी माँ जैसी है, और मेरी माँ जैसी चाची पर हर बात का क्यों इल्जाम आ जाता है? इसमें चाची की कोई गलती नहीं है। मैंने जबरदस्ती भेजा था उनको कि रानी का रिश्ता मांगे जाके, पर वो नहीं जा रही थी। मेरा कसूर बस ये है कि मैंने फुप्पो से इतनी बड़ी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। और वो धमकी, धमकी देने क्यों गया था? धमकी देने नहीं गया था, समझाने के लिए गया था कि वो जिस राह पर चल निकली है वो सही नहीं है, वापस लौट आए उससे। जिस लड़के के चक्करों में वो है ना, वो ठीक नहीं है। आप फुप्पो से कह के उसे बचा लें, वरना देखिए फिर सच कह रहा ना तू? मेरी बात पे यकीन नहीं है ना आपको?